नमस्कार दोस्तों, आपका पालमेश ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक फिर नई वीडियो लेकर उपस्थित हैं, जिसको कि कहते हैं पूर्व पूर्ण रेखा, पिछले जन्मों का कर्म क्या वास्तविक आपके हाथों में होता है, ऐसा माना जाता है। ये रेखाएं बहुत लोगों के हाथों में नहीं होती है, लेकिन किसी किसी के हाथ में, रियर लोगों के हाथों में मिलती है और ये काफी अच्छी रेखा होती है। कहते हैं ना कि पिछले कर्मों का जन्म, जो हमारा ये मानव शरीर है, हम पिछले कर्मों में क्या कुछ करके आए, अच्छा करके आए हैं, तो उसका कुछ हमारे हाथों में ये निशान चिन्हित होते हैं और ये काफी भाग्यशाली लोगों के हाथ में होते हैं ना। ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोगों के जितने भी काम हैं सफल पूर्वक हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी लाइफ में स्ट्रगल जरूर रहती है। तो आइए अपने हाथों पर देखते हैं तीन मुख्य रेखाएं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जैसे कि जीवन रेखा का मतलब, हम अपने लाइफ में जो भी एक्टिविटी या घटनाएं घटती हैं उसके बारे में बताते हैं। और इसी प्रकार से ये मस्तिष्क रेखा, जिसको हम बुद्धि रेखा कहते हैं, हमारा मन कितना गहराइयों से काम करता है उसके बारे में बताती है। और इसी प्रकार से ये हृदय रेखा हमारे भावुकता को बताती है, हमारे प्रेम को बताती है, जिसको कि हम हृदय रेखा कहते हैं। सबसे पहले हम पूर्व पूर्ण रेखा के बारे में, ये मेरी पहली वीडियो है कि जिसमें हमने कई बात का जिक्र किया है कि हमारे पिछले कर्म क्या थे, हम क्या कर्म करके आए हैं, जो हमारे हाथों में वो चिन्हित रेखाएं बताते हैं। कहते हैं ना कि पिछला कर्म अच्छा था, हम कुछ जो वर्तमान में कर रहे हैं या हमारा जो पिछला था कर्म उसमें करके आए हैं। कुछ कई लोगों के अपने हाथों में देखा होगा, कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार रखते हैं, लेकिन उनका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और कुछ लोग बुरे कर्मों को करके भी अच्छा बेनिफिट कमाते हैं। तो कहते हैं ना कि पिछला कर्म जुड़ा होता है। आज आपने संग्रह किया हुआ पिछला कर्म, उसको यूज कर रहे हो, और वो पूर्ण कर्म तब तक आपको सेव करेगा, तब तक आपको बचाएगा, जब तक उसकी पावर है, जब तक उसकी ग्रोथ है। यही कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसे कि कहते हैं पूर्ण कर्म अच्छा हो या बुरा हो, वो तो सबको स्वाभाविक से है, उसका फल मिलता ही निश्चित है। लेकिन हस्तरेखा शास्त्र में इसको काफी महत्व माना जाता है कि हमारा कर्म क्या था, हम कैसा पिछला कर्म करके आए। ये प्राकृतिक देन है, परमात्मा हाथों में चिन्हित कर देता है, एक निशान छोड़ देता है, एक छाप छोड़ देता है कि हमारा पिछला कर्म क्या था। और जो हम आज के समय में अच्छा बुरा कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उसका एक संग्रह होता है। जैसे हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं या जॉब में होते हैं, तो कुछ ना कुछ अपने लिए एक हम फिक्स की बात करते हैं, थोड़ी सी सेविंग की बात करते हैं। इसी प्रकार से हमारा पिछला कर्म होता है कि हमने क्या कुछ पिछले कर्म में फिक्स करके आए हैं, क्या कुछ अच्छा करके आए हैं और क्या उसका बेनिफिट मिला है। तो यही हमारे लाइफ में होने वाले आगे के समय के बारे में बताती है कि हमारा जो समय था, अच्छा किए हैं, बुरा किए हैं, उसका फल हमें इस लाइफ में मिलेगा। और ये पिछले कर्मों को ज्यादा दर्शाता है। जैसे कि कहते हैं कि मंगल, हमारा मंगल के क्षेत्र को देखते हैं। ये हाथ का हमारे मंगल का क्षेत्र है, ये मंगल का क्षेत्र है, इसको हम मंगल का क्षेत्र बोलते हैं, मंगल का पर्वत। ये जो मंगल का दो क्षेत्र माना जाता है, ये मंगल का क्षेत्र ये भी है,
ये मंगल का पर्वत। मंगल क्या बताता है? हमारे पराक्रम को बताता है, हमारे एनर्जी को बताता है, हमारा उत्साह कैसे है। मतलब जितने भी हम काम अपने कार्य को करते हैं, कैसा भी कार्य हो, ये हमारे उस काम के उद्देश्य को पूरा करने का पराक्रम, जो हम साहस कहते हैं, किसी के पीछे लगे होते हैं काम करने की हमारे अंदर एक कला होती है। लेकिन ये वो थोड़ा सा गुस्सेले वाला मंगल हम कह सकते हैं, कई बार आवेग भर देता है, छोटी छोटी बातों में हमें आवेग आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। लेकिन ये जो हमारा दूसरा मंगल का पार्ट है, इस पार्ट पे हम उसकी स्थिति को देखते हैं, आवेग को देखते हैं, हमें धैर्य पूर्वक बताता है कि हम किसी कार्य को करते हैं लेकिन एक धैर्य पूर्वक काम करेंगे, उसमें उत्साहित होने के नहीं, उसमें हमने सही माइंड से काम करना होता है। और ये मंगल पराक्रम बढ़ाता है, हिम्मत बढ़ाता है, साहस बढ़ाता है। और ये मंगल आपको जैसे कि आर्मी से जुड़े, सेना से जुड़े, पुलिस से जुड़े, इन सारे कार्यों को भी अच्छे ढंग से करने की प्रेरणा देता है। और लोग जाते भी हैं और निष्काम सेवा करते हैं और अपने पराक्रम से करते हैं। यही सारी बातें इस वीडियो में है कि हमारा जो कर्म था संघर्ष को दिखाता है। लेकिन जब हम किसी कार्यों को करते हैं उसमें जो भी हमें फल मिलता है, जो हमारी मेहनत का रंग रूप आता है, जिसको कहते हैं नेम मिलता है, फेम मिलता है, वो हमारी सूर्य रेखा बताती है। अब ये सूर्य की जो रेखा है, सूर्य की रेखा ऐसी कर्म लिए हुए इस मंगल के पार्ट पे आई, ये मंगल के पार्ट को आए, इसको हम पूर्व पूर्ण रेखा कहते हैं। आज हमारा जीवन कैसा भी है, अगर इस एज की हम कैलकुलेशन करते हैं, ये 44 के करीब आएगा, जो एज बनेगी हमारी ये 44 एज के करीब बनेगी। इस एज के करीब हम जीवन में हर सफलताओं को प्राप्त करेंगे, निश्चित होता है, संघर्ष तो होता है, किसी भी कार्य को करते हैं तो संघर्ष को तो आपको करना पड़ेगा। जैसे कि कहते हैं मंगल और सूर्य का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है, आदमी मेहनत पे अपने पराक्रम को दिखाकर जीवन में नाम और यश की प्राप्ति प्राप्त करता है। और ऐसे लोग संघर्ष तो अवश्य करते हैं लेकिन हर उस काम को करने की इनको प्रेरणा मिलती है, जो करने के लिए जिसमें आप इनको देखेंगे निपुण होते हैं। और ये मंगल उनको पराक्रम देता रहता है, हिम्मत देता रहता है, और मेहनत के हिम्मत के साथ एक इनको यश की भी प्राप्ति कराते हैं। कहते हैं आज हमारा जो समय है, हम एक निरंतर प्रयास की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ऐसे लोगों को अपना मकान अवश्य लाइफ में बनाते हैं, और जीवन में अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से, जो पिछले हमारे कर्म हैं, आज हम उसी को सुचारू रूप से करते हैं या हम अच्छे कार्यों को करते हैं। जैसे कि हम बैंक में सेविंग की बात की है कि हम कुछ ना कुछ कल के लिए आज बचाते हैं, उसी प्रकार से लोगों की सेवा करके, अच्छे कार्यों को करके हम अपने कर्म को बेहतर बनाते हैं। पराक्रम तो तभी भी आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो तब भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन एक पूर्ण काम को करके, ताकि आने वाला जो आपका समय हो बेहतर हो। परिश्रम तो पड़ेगा लेकिन आपको हर सफलता आपको प्राप्त होती जाएगी। पुत्र की प्राप्ति करवाता है, भूमि का भी आपको लाभ दिलाता है, मकान का लाभ दिलाता है, मतलब इन सारी चीजों को आपके जो जीवन में मिलने वाली है वो सारी चीजें नियमित आपको अवश्य दिला देता है, आपके पराक्रम को दिखाता है। और ऐसे लोग अपने जीवन में
हर इन सारी सुख सुविधाओं को भी प्राप्त करते हैं। आज जो हमारा समय है, अपने मेहनत के बल पर हम उसको कायम करते हैं, कुछ अच्छे कार्यों को करके एक सम्मानित कार्य करते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और इसी के साथ फिर आपको दूसरी वीडियो प्राप्त होती रहे। तो आप सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना भी ना भूलें। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।